हम विशेषण के भेद के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अध्ययन करेंगे कि प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के दो भेद हैं। एक में है विशेष विशेषण और दो में है विधेय विशेषण। तो विशेषक और विधेय दोनों के शाब्दिक अर्थ से पहले हम वाकिफ हो जाए, इससे हमें विशेष विशेषण और विधेय विशेषण की परिभाषा समझने में सहूलियत होगी। कोई भी विशेषण के शब्द जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे विशेष कहते हैं, और किसी भी वाक्य को दो अंगों में बांटा गया है, अर्थात वाक्य के दो अवयव होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। वाक्य में उद्देश्य की प्रधानता होती है, अर्थात जिस किसी के संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, जबकि उद्देश्य के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। यहां पर विशेष विशेषण और विधेय विशेषण प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के दो भेद माने गए हैं। तो अब हम दोनों की बारी बारी से परिभाषा जानते हैं, उसके उदाहरण जानते हैं। जो विशेषण विशेष के पहले आकर के विशेष की विशेषता बतलाता है उसे विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे वहां एक काला घोड़ा है। कौन है? घोड़ा है। घोड़ा तो है किंतु कैसा घोड़ा है? तो काला, काला घोड़ा है। अर्थात एक घोड़ा की विशेषता है कि वह काला है, अर्थात काला घोड़ा का विशेषण है। और चूंकि काला घोड़ा की विशेषता बतला रहा है इसीलिए ये घोड़ा विशेष है। तो इस विशेष घोड़ा की विशेषता काला है इसीलिए काला यहां पर विशेष विशेषण कहलाता है। अन्य वाक्य देखिए, उजली बकरी चरती है। कौन चरती है? तो बकरी। बकरी यहां पर क्या है? उद्देश्य है या करता है? तो बकरी तो है किंतु कैसी बकरी? उजली बकरी। अर्थात ये उजली जो है बकरी की विशेषता बतलाता है, अर्थात उजली विशेषण है और बकरी विशेष है। और ये उजली, ये विशेषण जो है ये विशेष के पहले प्रयोग किया गया है। उसी तरह से घोड़ा के पहले काला विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो विशेष विशेषण में जितने भी विशेषण होते हैं वो विशेष के पहले ही प्रयोग किए जाते हैं। अब हम विधेय विशेषण के बारे में जानते हैं। अभी मैंने कहा था कि वाक्य के दो अवयव होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। तो वाक्य में उद्देश्य की प्रधानता होती है और उद्देश्य के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है उसे ही विधेय कहते हैं। तो विधेय का विशेषण, अर्थात उद्देश्य के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है वही विधेय है। इसीलिए विधेय विशेषण जो होता है विशेष और क्रिया के बीच में होता है, क्योंकि वह विशेषण उस वाक्य का विधेय के रूप में होता है और वह विशेषण का भी काम करता है। अर्थात उद्देश्य के संबंध में कुछ कहा जाता है भले ही वह विशेषण के रूप में ही क्यों न कहा जाए। इसीलिए विधेय विशेषण की परिभाषा देते हैं, जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे वह घोड़ा काला है। यहां भी देखा था कि वहां एक काला घोड़ा है। घोड़ा के पहले काला शब्द का प्रयोग किया गया था, काला विशेषण का प्रयोग किया गया था। अब वही काला घोड़ा के बाद और ये क्रिया के पहले काला विशेषण का प्रयोग किया गया है, अर्थात कौन काला है? तो घोड़ा। घोड़ा यहां पर उद्देश्य है,
अर्थात घोड़ा की विशेषता है काला। घोड़ा तो है किंतु कैसा है, तो काला। तो घोड़ा की विशेषता काला है अर्थात घोड़ा यहां पर विशेष है, किंतु इस विशेषण का प्रयोग जो है ये विशेष घोड़ा और क्रिया है के बीच में किया गया है। वही विशेषण जो है विशेष विशेषण के रूप में विशेष के पहले प्रयोग किया गया था, और जब इसे विधेय विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं तो विशेष और क्रिया के बीच में प्रयोग किया गया है। यहां भी वही बात है कि यदि यह विशेषण विकारी होगा तो यह भी विशेष के लिंग और वचन के अनुरूप ही होगा। जैसे कि दूसरा वाक्य है वह बकरी उजली है, क्योंकि उजली एक विकारी विशेषण है इसीलिए विशेष बकरी के लिंग और वचन के अनुसार आई है, किंतु इसका प्रयोग विशेष और क्रिया के बीच में ही किया जाता है तभी वही विधेय विशेषण कहलाएगा। अगर इसी विशेषण को विशेष के पहले प्रयोग कर दिया जाता है तो वह विशेष विशेषण कहा जाएगा। विशेष विशेषण और विधेय विशेषण में हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि विशेष विशेषण का प्रयोग विशेष के पहले किया जाता है, जबकि विधेय विशेषण का प्रयोग विशेष और क्रिया के बीच में किया जाता है। किंतु यदि यह विशेषण विकारी है तो इसके रूप विशेष के लिंग और वचन के अनुरूप ही होते हैं। इसीलिए यहां पर एक बात ध्यान में तो जरूर रखिएगा, चाहे वह विधेय विशेषण हो या विशेष विशेषण हो, यदि विशेषण विकारी है तो वह विशेषण विशेष के लिंग और वचन के अनुरूप ही होगा। धन्यवाद।